हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एम सिक्योर दिस इज़ क्लास सेकेंड ऑफ रीजनिंग और व्हाट वी कॉल मेंटल एबिलिटी सो इन दिस क्लास विल डिस्कस अबाउट कोडिंग एंड डिकोडिंग देखिए कोडिंग डिकोडिंग जो है ये हर किसी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है इसके बहुत सारे पैटर्न्स है बिल्कुल ईजी लेवल से टफ लेवल तक ठीक है सो पूरा कंसंट्रेट होकर जो है आपने ये लेक्चर देखना है मैं हर कोई पैटर्न जो भी पैटर्न का क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में रिलेटेड टू कोडिंग और डिकोडिंग वो मैं आपको जो है यहाँ पे समझाऊँगा सो so, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट यही रहेगी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए वीडियो लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा हमें इससे मोटिवेशन मिलती है और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन देखिए इसके टाइप्स बहुत सारे हैं लेटर कोडिंग है नंबर सिंबल कोडिंग है सबस्टिट्यूशन कोडिंग है डेस्फेरिंग कोडिंग है सो अलग अलग जो है इसके टाइप्स हैं और मैं हर कोई टाइप मतलब लेटर कोडिंग भी डिस्कस करूंगा नंबर सिंबल भी सब भी और डिस्फेरिंग भी ठीक है जितने भी पैटर्न हैं इसमें मैं सब डिस्कस करूंगा हम इजी लेवल से बिल्कुल टफ लेवल तक जाएंगे क्योंकि आपने प्रिपेयर करना है फॉर द वर्स्ट ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन <coughs> ये देखिए ये है अल्फाबेटिकल कोडिंग और ये बिल्कुल एनालॉगी के बिल्कुल सेम ही है मैंने एनालॉगी में ये चीज़ समझाई थी इसमें कुछ करना नहीं है इसमें क्या है इसमें देखिए ब्राउन इज रिटन एज जड पी एम यू एल देन वायलेट इज कोडेड एज मैंने आपको समझाया था कल भी कि अगर जो वर्ड आपने निकालना है और जो वर्ड क्वेश्चनर ने दिया है अगर उनके जो अल्फाबेट्स हैं वो सेम नहीं है तो सिंपली आपने ये समझ जाना है कि इसमें प्लस माइंस का जो है रोल है प्लस माइनस मतलब अल्फाबेट्स को जो है डिफरेंट अल्फाबेट्स को या तो उनके बाद वाले अल्फाबेट्स के साथ एक्सचेंज किया है या तो उससे पहले वाले आपने वो पैटर्न निकालना है और वही पैटर्न आपने वॉयलेट पर फॉलो करना है देखिए ब्राउन है और मेरी एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट रहेगी जब भी आप इस टाइप का क्वेश्चन करें तो पूरे वर्ड को नहीं एक एक करके देखिए और ऑप्शन एलिमिनेट कीजिए ठीक है सिर्फ एक एक करके अब देखिए ब्राउन है तो हम पहले से स्टार्ट नहीं करेंगे क्यों नहीं करेंगे क्योंकि एग्जामिनर अक्सर आपको जो आगे वाले वर्ड्स होते हैं वो ऑलमोस्ट तीन ऑप्शंस में चार ऑप्शंस में सेम होते हैं तो आपके लिए टिप है कि आप स्टार्ट करेंगे लास्ट से ठीक है क्योंकि देखे आपने आप यहाँ भी देखे ऑप्शन में टी 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 मतलब ये तो कन्फर्म है कि पहले वाला टी ही है पहले वाले में टी आएगा फिर जी देखे रिपीट हो रहा है एम हो रहा है लेकिन यहाँ पे चेंज है यहाँ पे चेंज है राइट तो हम पहले जो है सॉल्व करेंगे एन को चले एन के सामने है एल एन के सामने है एल एन के बाद एल आता है नहीं एन से पहले एल आता है कितना पहले एन से पहले आता है एम और एम से पहले आता है एल मतलब माइनस वन और यहाँ से माइनस वन मतलब माइनस टू किया है इसने इसको तो हम टी को माइनस टू करेंगे टी से पहले क्या आता है एस एस से पहले क्या आता है आर तो मतलब आर आना चाहिए हमारे आंसर के लास्ट में जो है आर अल्फाबेट होना चाहिए आप चेक कीजिए यहाँ पे सिर्फ एक ही में आर है सो so, डायरेक्टली आप आंसर टिक कर सकते हो ठीक है और किसी वर्ड को देखना ही नहीं है एक बार आपने कंफर्म कर लिया बस एक अल्फ़ाबेट आपका हिट हो गया ऐसा होता कि यहाँ पे भी आर होता यहाँ पे भी आर होता फिर हम आगे सॉल्व करते ठीक है इसीलिए मैंने बोला कि लास्ट से स्टार्ट कीजिए हमेशा आपका टाइम भी बचेगा और आपको आसानी भी होगी ये है दूसरा पैटर्न देखिए इसमें क्या करेगा एग्जामिनर इसमें आपको वो दो वर्ड्स देगा उनका कुछ कोड देगा ये कोड जो है ये नंबर्स भी हो सकते हैं ये अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं ये सिंबल्स भी हो सकते हैं कुछ भी हो सकता है और आपको और एक वर्ड देगा उसका आपने निकालना होगा तो जो वो वर्ड होगा फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर रेयर है तो रेयर जो अल्फ़ाबिट्स रेयर में है वो इन दोनों से मिलकर होंगे मतलब इसका फॉर एग्ज़ाम्पल ए देखिए ए आपको चेयर में मिलेगा आर ई आपको यहाँ पे मिलेगा और आर तो सेम ही है ठीक तो सिंपली आपको करना क्या होगा आपने इन दोनों के सामने जो अलाटमेंट दी होगी वर्ड्स की या सिंबल्स की या नंबर्स की आपने उस हिसाब से इसका आंसर निकालना है अब देखिए ए है चेयर में थर्ड वन मतलब थ्री तो हम यहाँ पे रेयर लिखेंगे देखिए ए है थ्री थ्री यहाँ पे तीसरा कहाँ पर है देखिए डायरेक्टली आंसर निकल गया दूसरा चेक करने की जरूरत ही नहीं है अब चले मैं फिर भी पूरा कर देता हूँ इसको आर आर का कोड है फाइव और यहाँ भी आर का कोड फाइव ही ओबियसली होगा तो फाइव यहाँ है फाइव पहले है और ई है रेंट का दूसरा मतलब सिक्स तो फाइव सिक्स थ्री फाइव हमारा कोड हो गया रेयर का ठीक चले मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूँ प्रैक्टिस के लिए मैं कोई वर्ड इनका ही बोलता हूँ चले आप निकालिए ए आर आठ का निकालिए पॉज करके आठ का निकालिए खुद ठीक है देखिए आर्ट ए थ्री है आर है फाइव और टी है रैंक का लास्ट वाला मतलब एट थ्री फाइव एट समझ में आया चले हो होगा दूसरा पैटर्न देखिए ये है सब्स ट्यूशन में टिप क्या है कि आपको जब ऐसा क्वेश्चन दिखे कि डॉग इज़ कॉल्ड कैट या चेयर इज कॉल्ड टेबल या कुछ भी किलो इज़ कॉल्ड बकेट ऐसा कुछ और आपने इसमें डायरेक्टली पहले ये क्वेश्चन पढ़ना है कि हमें निकालना क्या है किसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए पूरा क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आप वहाँ पे ये नहीं करना कि डॉग इक्ल्स टू कैट लाइन इक्वल्स क्वेश्चन अभी पढ़ा ही नहीं और आप स्टार्ट हो गए नहीं हमें क्वेश्चन पे ध्यान देना है कि हमें उसी चीज़ पे काम करना है जो कि क्वेश्चन दिया हो यहाँ पे इसने बोला है कि फॉरेस्ट में कौन रहता है अब फॉरेस्ट में कौन रहता है ओब्वियसली लाइन रहता है तो हमें लाइन का देखना है कि लाइन को क्या बोला जाता है देखिए डॉग इज कॉल्ड डॉग जंगल में रहता है नहीं हमें कोई काम नहीं है कैट इज कॉल्ड हमें कैट से कोई काम नहीं लाइन इज कॉल्ड देखिए यहाँ पे आपका आंसर आ गया लाइन इज कॉल्ड रैट अगर लाइन को रैट बोला जाता है तो जंगल में रैट ही तो रहेगा सिंपल है सो so, इसमें टिप क्या थी कि आपने पहले ये क्वेश्चन पढ़ना है लास्ट में डायरेक्टली ये पढ़ना है कि हमें एग्जामिनर पूछ किस किस बारे में रहा है, ठीक है चले देखिए फिर से यही पैटर्न का क्वेश्चन है मैं चाहता हूँ आप पॉज करें और पहले ये क्वेश्चन पढ़िए वायर डू यू सिट इन द क्लास रूम क्लास रूम में आप कहाँ बैठते हो तो ओबली डेस्क पे बैठते हैं ठीक अब क्वेश्चन पढ़े इफ द डेस्क इज कॉल्ड चेयर देखिए आपको आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है डेस्क को ही चेयर बोलते हैं उन्होंने बोला डेस्क को ही चेयर बोलते हैं और हम डेस्क पे बैठते हैं तो हम कहाँ बैठेंगे चेयर पे ठीक चले ये देखिए ये ये पैटर्न भी मैंने करवाया मैंने आपको बोला कि एग्जामिनर आपको दो वर्ड्स देगा तीन वर्ड्स देगा और फिर आपको एक वर्ड देगा जो कि उनके मिक्स होगा अल्फाबेट्स का और उसके सामने वो सिंबल दे सकता है जैसे इससे पहले हमने डिस्कस किया वहाँ पे उसने डायरेक्टली वर्ड्स दिए थे नंबर्स दिए थे यहाँ पे उसने सिंबल्स दिए हैं डिफरेंस इतना ही है और कोई डिफरेंस नहीं है तो इसमें आप डायरेक्टली इस वर्ड पे आओगे नाइस एन एन है नेक का पहला और उसका कोड है वन आई आई कहाँ है लाइक like का दूसरा और उसका कोड है डिवाइड बाई वर्ड वाइज करना है ठीक है ऐसा नहीं करना पहले नेक इक्वल टू ये लिख लिया लाक इक्वल टू ये लिख लिया नहीं डायरेक्टली हमें करना है सी सी कहाँ है सी नेक का तीसरा है थ्री और ई e कहाँ है ई e है लाइक like का लास्ट वाला टू सो वन डिवाइड बाई थर्टी टू इसका आंसर होना चाहिए ये रहा ऑप्शन बी ठीक है चले अब ये देखिए क्वेश्चन ये क्वेश्चन फिर से पहला ही पैटर्न है आप मेडिको का कोड दिया है पी बी जी एफ एफ एल तो डॉक्टर का क्या होगा इसमें टिप यही है कि आप मैंने आपको बोला कि पहले आप ये देखो कॉमन तो नहीं है कुछ जैसे इसमें कॉमन देखिए डी है कॉमन ओ भी है सी भी है ये तीनों चीज़ें ऊपर भी है बस तो पहले हम इन तीनों को डायरेक्टली चेक करके ऑप्शन एलिमिनेशन करते हैं देखिए मेडिको चले डी डॉक्टर डी कौन सा है डी है तीसरा मतलब जी पहला हमारा जी होना चाहिए यहाँ चारों में जी है तो हम किसी को एलिमिनेट नहीं कर सकते दूसरा है ओ ओ कहाँ पे है ओ है मेडिको में लास्ट में मतलब एल दूसरा हमारा एल होना चाहिए तो ये हो गया एलिमिनेट और इसमें मैंने आपको बोला था लास्ट से स्टार्ट कीजिए याद है आपको लास्ट से स्टार्ट कीजिए चलिए लास्ट वाला चेक करते हैं आर कहाँ है भाई साहब आर है कहीं पे नहीं आर कहीं पे नहीं है तो हम आर का पैटर्न चेक करते हैं हमारा आंसर आ जाएगा अब देखिए पैटर्न सेम वैसे ही चेक करना है जैसे मैंने आपको सिखाया है वहाँ पे है मेडिको में है ओ और ओ कन्वर्ट हुआ है एल में तो एल एम एन ओ मतलब एल से पहले है एम सॉरी एल के बाद है एम एम के बाद है एन और फिर है ओ तो हमने एल से स्टार्ट किया ओ तक गए या हम ओ से भी स्टार्ट करें तो ओ के ओ से पहले है एन एन से पहले एम एम से पहले एल तो आर से पहले क्या है हम यही जो है इसको फॉलो करेंगे देखिए आर से पहले पी क्यू आर एस आर से पहले है क्यू क्यू से पहले है पी पी से पहले क्या है ओ तो हमारा जो लास्ट होना चाहिए जो हमारे आंसर का लास्ट अल्फ़ाबेट होना चाहिए वो होना चाहिए ओ हम ओ चेक करेंगे सिर्फ यहीं पे है हमारा आंसर आ गया हमें और कुछ चेक नहीं करना है ठीक है बाकी सेम ही रहेगा आप ये पूरा सॉल्व कीजिए या आप एक वर्ड पे सॉल्व कीजिए अगर आपका आंसर आ गया तो आप उसके आगे नहीं बढ़ेंगे ठीक है टाइम वेस्ट नहीं करना है चलिए अब देखिए फिर से वही चीज़ सिंबल्स में पूछा है इफ ट्रेंगल मीन्स स्क्र स्क्र मीन्स सर्कल सर्कल मीन्स रेक्टेंगल रेक्टेंगल मीन्स सिलेंडर तो पूछा क्या है देन विच हैज़ एग्जैक्टली इन्फीनाइट लाइन्स ऑफ सिमेट्री इन्फीनाइट लाइन्स ऑफ सिमेट्री किसके पास है स्क्वायर के पास ओबियसली और स्क्वायर यहाँ पे मतलब है सर्कल ये आ गया आपका आंसर ठीक है चलिए आगे देखिए इन a certain कोड फायर इज coded एज DGPc. What will be the विल बी द लास्ट लेटर ऑफ द कोडिड वर्ड फॉर शॉर्ट ठीक है तो शॉर्ट का लास्ट पूछा है हम भी यहाँ पे लास्ट को ही चेक करेंगे हम पूरा क्यों चेक करेंगे तो ई से आया है सी मतलब सी डी और ई सिंपल ई से आया है सी तो टी से क्या आएगा टी से पहले क्या है एस एस से पहले है आर आर हमारा आंसर हो गया बिल्कुल सिंपल है चलिए देखिए फिर से वही पैटर्न अब इसमें क्या है वो आपको डायरेक्टली डिजिट पूछ रहा है पूरा सॉलू करने की ज़रूरत भी नहीं है ट्यूर का कोड ये है कलेयर का कोड ये है सुपेर का ये है तो व्हाट विल बी फिफ्थ डिजिट फॉर स्कल्चर इसका फिफ्थ डिजिट है पी हमें पी का कोड ढूंढना है पी है सुपेयर में दूसरा मतलब नाइन जीरो ज़ीरो हमारा कोड है आंसर ठीक है कुछ टफ इसमें रॉकेट साइंस तो है नहीं आई होप आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा मज़ा आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिए इन ए सटन लैंग्वेज प्रोज इज़ कोडेड एज पी क्यू ओ क्यू ई हाउ इज़ लाइट कोडेड सिंपल देखिए पी यहाँ भी है यहाँ भी है ओ यहाँ भी है यहाँ भी है ई e, यहाँ भी है यहाँ भी है तो लाइट में भी एल वहीं पे होगा जी वहीं पे होगा टी वहीं पे होगा आपने सिर्फ ये दो सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पे आर बना है पी दूसरे की बात करते हैं आर बना है पी ठीक आर पी बना है तो पी क्यू आर मतलब उल्टा ये माइनस हुआ है आर में से एक माइंस है फिर और एक माइंस हुआ है तो हम सिंपली उसी को फॉलो करेंगे यहाँ पे है आई आई से पहले क्या है आई से पहले है एच और एच से पहले है जी तो हमारा जो दूसरा होना चाहिए दूसरा अल्फाबेट वो होना चाहिए जी दूसरा अल्फाबेट जी कहाँ है भाई साहब यहाँ है यहाँ है ठीक ये दो कैंसिल हो गए और हमने एक चीज़ देखी कि तीसरा भी जी होना चाहिए लास्ट में टी होना चाहिए और पहला एल होना चाहिए तो ये दोनों अभी तक जो है सेटिस्फाई कर रहे हैं मतलब सारी गेम है क्यू की तो एस से क्यू गया है एस से गया है क्यू मतलब पी क्यू आर एस देखिए फिर से सेम से पैटर्न माइनस टू किया है तो हम भी यहाँ माइनस टू करेंगे क्यू का क्यू से पहले क्या है पी पी से पहले क्या है ओ oh, तो हमारा क्या होना चाहिए वेट अ सेकेंड कुछ गलती हो गई क्या मुझसे हाँ 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 सॉरी 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 मैंने क्यू को क्यू को मुझे नहीं देखना मुझे एस से स्टार्ट करना है सो so, एस को देखना है मुझे एस से गया है क्यू से आया है एच uh, से गया है क्यू तो मुझे आई से मुझे जाना है कहाँ से एच से सॉरी मैंने गलत किया था एच से जाना है मुझे एच से पहले होगा जी और जी से पहले क्या है आई सॉरी एफ तो एफ मेरा आंसर हो गया ये आ गया आंसर थ्री ठीक है आई होप आपको जो है समझ आ रहा है ये बिल्कुल वही है सेम है अभी पैटर्न चेंज कुछ खास हुआ नहीं है ऐसे क्वेश्चन आते हैं अब ये देखिए समर इज़ कोडेड एज रनर तो विंटर कैसे होगा अब यहाँ देखिए ई ER, आर ER ई आर सेम है तो यहाँ भी ई ER आर होना चाहिए यहाँ सब में ई ER आर है एम एम ये जो दूसरा है इसको इसने किया है एन एन मतलब प्लस वन किया है तो यहाँ पे टी के बाद क्या आएगा टी के बाद यहाँ पे आएगा यू यहां एन के बाद आएगा ओ ई आर हमारा अपना ही है ओ मतलब हमारे लास्ट वाले वर्ड होने चाहिए ओ यू ई आर ओ यू ई आर ये देखे ठीक है चलिए इफ माइंड बिकम्स के जी एल बी एंड आर्ग्यू बिकम्स वाई पी एस सी देन वट विल बी डायग्राम देखिए फिर से वही है सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ये आप पॉज करके खुद सॉल्व कीजिए पैटर्न सेम है समझाया मैंने कि डायग्राम के जो अल्फाबेट्स हैं वो इन दोनों से मिलके बने हैं वहाँ पे आप चेक कीजिए आपका आंसर आ जाएगा ठीक है चलिए अब देखिए ये है डिस्फेरिंग का क्वेश्चन इसमें क्या होता है इसमें आपको डायरेक्शंस दी होती हैं देखिए जो कोडिंग डिकोडिंग है पाँच मार्क्स की भी आ सकती है ध्यान में रखना ये चीज़ इसको लाइटली नहीं लेना है और ये लंबे लंबे क्वेश्चन जो है अब आए डेस्फरिंग के ये मैं आपको समझाता हूँ इसमें कंफ्यूज नहीं होना है देखिए आपने इसमें डायरेक्शंस दिए होते हैं एग्जामिनर ने प्लस मींस डिवाइड मल्टीप्लाई मींस माइंस डिवाइड मींस इनटू और माइंस मींस प्लस तो हमें ये सॉल्व करना है लेकिन किस हिसाब से जिस हिसाब से डायरेक्शन दी गई है तो आपने सिंपली क्या करना है आप ये कॉपी पे लिखोगे जो आपके सामने पेज होगा ये चीज़ आपने लिख ली ठीक है और आपने इन साइंस को रिप्लेस करना है देखिए प्लस का माइनस है डिवाइड तो हम यहाँ इसको काट के डिवाइड लिख देंगे डिवाइड का मतलब क्या है डिवाइड का मतलब है इनटू तो हम इसको काट के मल्टीप्लाई लिख देंगे माइनस का मतलब है प्लस तो हम इसको प्लस कर देंगे और इनटू का मतलब है माइनस बस अब हमें सॉल्व करना है 36 सिक्स डिवाइड बाई एटीन आएगा 2 2 इंटू ट हो गया 24 24 प्लस फोर्टी हो गया 68 और 68 में से 30 माइनस करेंगे तो 38 बचेगा ये आ गया आंसर आपका ठीक है सिंपली करना क्या है आपने आपने इसमें सिंबल्स रिप्लेस करने हैं और सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना अब देखिए ये पॉज करके ये क्वेश्चन खुद कीजिए मैं भी करता हूँ चलिए प्लस का मतलब है डिवाइड तो यहाँ डिवाइड आएगा ठीक डिवाइड का मतलब है मल्टीप्लाई तो यहां पे मल्टीप्लाई आएगा ठीक है मल्टीप्लाई का मतलब है माइनस तो यहां माइनस आएगा और माइनस का मतलब है प्लस तो यहाँ पे प्लस आएगा बस सॉल्व कीजिए इसको फोर डिवाइड बाई एलेवन आ गया फोर फोर इंटू फोर हो गया सिक्सटीन सिक्सटीन के बाद आपको प्लस करना है क्योंकि बॉड मास आपको जो है इस हिसाब से चलना है सिक्सटीन प्लस टेन हो गया ट्वेंटी सिक्स और ट्वेंटी सिक्स माइनस थर्टी क्या होता है माइनस फोर तो ऑप्शन चेक कीजिए फोर नन ऑफ दीज ठीक है फोर लिख के नहीं आना है देखिए कन्फ्यूज़ करने के लिए जानबूझ कर फोर लिखा है क्योंकि माइनस फोर आ रहा है ठीक है चलिए चलिए ये देखिए ये वाला पैटर्न देखिए ये पैटर्न जो है ये सबसे परेशान करता है बच्चों को डिस्फेरिंग का है ये इसमें कुछ नहीं करना है ये बिल्कुल सिंपल है लेकिन सॉल्व आपको ये करना पड़ेगा और अगर ये पैटर्न आता है तो आप मान के चलिए तीन से पाँच क्वेश्चन तो इसमें आएंगे ही ठीक है ये आपके सामने क्वेश्चन है आप चले मैं आपको नीचे करके दिखाता हूँ ये ये क्वेश्चन मेरे सामने भी है यहाँ पे मैं इसी हिसाब से करता हूँ आप स्क्रीन शॉट ले जो है इसको आप लिख सकते हैं एक बार पॉज करके इसको एक बार लिख लीजिए कॉपी पे ठीक है मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ देखिए पहले लिखा है मेन गिन, बिन, और गिन और इसका मतलब लिखा है ट्रेंस आर ऑलवेज लेट तो मैं यहां पर लिख लेता हूँ ट्रेन आर ऑलवेज लेट पहला सेंटेंस ये है ठीक दूसरा है गिन दिन चले मैं लिख लेता हूं गिन दिन सिन और हिन आप भी ये कॉपी पे जो है लिखिए जो आप आ, नोट्स बना रहे हो या यहाँ या जहाँ पर भी आप सीख रहे हो इसका मतलब है ड्राइवर्स वे आर ऑलवेज पुनिश वे आर ऑलवेज पुनिश ठीक चलिए तीसरा है यहाँ पे बिन सिन विन रिन न सिन विन और रिन इसका कोड दिया है ड्राइवर्स स्टॉपड ऑल ट्रेन ड्राइवर्स स्टॉपड ऑल ट्रेन्स आपको ये एग्जाम में ऐसे लिखना पड़ेगा क्योंकि ये पूरा सॉल्व करना पड़ता है फिर ही क्वेश्चन सोलव होंगे ठीक और लास्ट में है दिन किन दिन किन फिन और विन और इसका कोड है ऑल पैसेंजर्स वेयर लेट ऑल पैसेंजर्स वेयर लेट ठीक सो so ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया अब देखिए सॉल्व करना कैसे है पहले आप पहले दो लाइंस को कंपेयर कीजिए ऊपर वाली दो को इन दो को इन में कॉमन क्या है इस साइड देखिए कॉमन है इन में ऑलवेज़ ड्राइवर्स वी आर ऑलवेज लेट और ट्रेन्स आर ऑलवेज लेट सॉरी ड्राइवर्स वी आर ऑलवेज है ये राइट पुनषड है यहाँ पे सो तो इसमें ऑलवेज़ है तो यहाँ पे इन दोनों में कॉमन क्या है इन दोनों में कॉमन है गिन तो हमें ड्राइवर का कोड ऑलवेज का कोड मिल गया गिन अब दूसरी लाइन और तीसरी लाइन को कंपेयर कीजिए इसको और इसको कंपेयर कीजिए इसमें सेम क्या है ड्राइवर्स ड्राइवर्स यहाँ भी है ड्राइवर्स यहाँ भी है तो यहाँ पे सेम क्या है यहाँ पे सेम है दिन दिन तो नहीं है ये सिन है सिन है क्या जी हाँ देखिए सिन और सिन हमें मिल गया ड्राइवर ड्राइवर का मिल गया चलिए नेक्स्ट आप वहाँ पे क्या करेंगे आपके पास कलर डिफरेंट नहीं होंगे तो आप एक को ट्रेंगल बनाइए दूसरे को स्क्र तीसरे को सर्कल ठीक है अलग अलग करने के लिए अब लास्ट वाले दो को पहले इनको कंपेयर करते हैं ठीक है इन दोनों में सेम क्या है लास्ट वाले दो में इनमें सेम मुझे दिख रहा है बिन तो नहीं है विन है देखिए वी आई एन विन और यहाँ सेम क्या है ऑल ठीक है अब क्या कीजिए अब पहली और तीसरे को कंपेयर कीजिए पहली लाइन और तीसरी रैंक को आप देखेंगे यहाँ पे बिन है और यहाँ भी बिन है तो वर्ड कौन सा है इसमें ट्रेन्स ट्रेन्स मिल गया हमें ट्रेन्स भी अब कौन सी कौन सी कंपेयर करनी है हमें अब हम कलर में चेंज कर लेता हूँ देखिए आपको पहले पहले थोड़ी सी डिफिकल्ट लगेगी लेकिन जब आपको जो है इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर ये बिल्कुल टफ नहीं लगती ठीक है हमने इस इसको इस इस को किया इसीज को किया इसको इससे किया अब फर्स्ट और थर्ड को किया अब फर्स्ट और फोर्थ को करते हैं पहली वाली और लास्ट वाली में क्या है कॉमन मिन है फिन देखिए फिन है फिन यहाँ भी है फिन यहाँ भी है तो, तो लास्ट सेंटेंस और पहले सेंटेंस में सेम क्या है लेट ठीक है लेट मिल गया और क्या चाहिए हमें पहले का दूसरे से किया पहले और तीसरे से किया पहले का लास्ट वाले से किया दूसरे का पहले से हो गया दूसरे का दूसरे से किया दूसरे का तीसरे से हुआ क्या नहीं चलिए दूसरे और लास्ट वाले को कीजिए इस लाइन को और इस लाइन को मैं कलर चेंज कर लेता हूँ आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए इन दोनों को कीजिए आप इसमें क्या है सेम दिन है देखिए मैं स्क्वायर लगा देता हूँ दिन है यहाँ भी दिन है यहां भी और इनमें सेम क्या है यहाँ पे वियर वेयर और वियर ठीक है और किसी चीज का हमें अब पेंडिंग है आर का है आर का है स्टॉपड का है पुनश का है और पैसेंजर्स का है तो ये तो डायरेक्टली हो गई जो जो बचा देखिए यहां पे आर बचा मैं ट्रायंगल बना देता हूं यहां पे आर बचा यहां बचा मिन मतलब आर मिन है अच्छा यहां पे स्टॉपड बचा स्टॉप बचा यहां पे यहाँ पे बचा ऋण मतलब स्टॉप का मतलब ऋण है और यहाँ पैसेंजर्स बचा पैसेंजर्स का मतलब है किन तो हो गए सारे सॉल्व अब आपको कोड्स मिल गए अब आपको क्वेश्चन में देखना है किसका किसका पूछा है ठीक है देखिए मुझे इतनी परेशानी यहाँ पे इसलिए हुई क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं थी जब आपके पास पेन होगा कॉपी होगा तो आप इसको चुटकियों में कर लोगे ठीक है और ये देखिए और एक चीज़ पेंडिंग है यहाँ पर हिन और यहाँ बचा पुनिशड तो मिल गए आपके कोड्स सारे मिन का मतलब है आर फिन का मतलब है लेट बिन का मतलब है ऑलवेज सॉरी बिन का मतलब है ट्रेन और गिन का मतलब है ऑलवेज तो आपको सभी वर्ड्स आपने जो है डेसिफर कर लिए एक्चुअली क्या करना होता है सिर्फ कंपैरिजन करना होता है ठीक है आपको ये चीज़ मिल गई बस अब आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं क्वेश्चन है पहला देखिए आप आई होप आपने ये सॉल्व किया होगा मैं यहीं पे क्वेश्चन करवाता हूँ देखिए ड्राइवर्स वेयर लेट को कैसे लिखते हैं ड्राइवर्स वेयर लेट ड्राइवर्स का कोड है सिन वेयर का कोड है दिन और लेट का कोड है फिन सो so, कोड क्या आया फिन गिन और दिन ठीक है लाइक वाइज आपको सोल्व करना है देखिए आप सॉल्व हो गया ये चीज़ अब देखिए आप क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ पे सोल्व कर सकते हो विन का पूछा है तो विन का कोड क्या है इनमें से वो डाल दीजिए ड्राइवर्स वेयर लेट है तो वो चीज़ आप यहाँ पे लिख दीजिए क्या क्या जो है इसमें निकला उसी हिसाब से जो है आप निकाल दीजिए चले मेरा सॉल्यूशन यहाँ पे है मैं आपको डायरेक्टली क्योंकि अब मैंने निकाला तो मैं डायरेक्टली पेज से बोल देता हूँ आपको देखिए ड्राइवर्स स्वेयर लेट का मतलब है सिन दिन और फिन सिन दिन और फिन आना चाहिए सिन दिन और फिन कहाँ है सिन दिन और फिन सिन दिन और फिन ये हो गया आंसर विन का मतलब क्या है विन का मतलब हमने निकाला all हिम हिन्न मिन किन का मतलब क्या है हिन मिन का मतलब है पैसेंजर्स आर punished, राइट right? या पुनश आर पैसेंजर्स ये दे देखिए ये लिखा है पैसेंजर्स आर punished. सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा ये करना कैसे होता है सॉल्व आपको सिंपली इनको एक साइड से जो है कोड लिखने हैं एक साइड से सेंटेंसेस लिखने हैं फिर सेंटेंसेस को कंपेयर करना है पहले एक को दूसरे से वहाँ पे देखना है कॉमन क्या है और कोड में देखना है कॉमन क्या है उसको सर्कल लगा दिया फिर दूसरा तीसरा देखा उसको ट्रैंगल लगा दिया फिर और एक देखा तो अलग अलग जो है ताकि कन्फ्यूजन ना हो स्टार लगा दिया अलग अलग जो इसमें है आपको सिंबल्स यूज करने हैं ताकि आपके लिए आसानी हो और आप जब ये टोटल सॉल्व करके उसके बाद आपको सिंपली क्वेश्चंस में दो सेकंड भी नहीं लगेंगे ठीक सो so, ये सबसे टफ लगता है मैंने आपको दिखाया ये बिल्कुल इजीली कैसे करना होता है और ये है देखिए ये है लास्ट पैटर्न इसमें क्या होता है इसमें आपको कंडीशन दे देता है एग्जामिनर वहीं से क्वेश्चन पूछने का कंडीशन वहीं से देखता है आपने क्वेश्चनर कि आपने एग्जामिनर की जो है कंडीशन फॉलो करनी है और उसी के हिसाब से आंसर देना है और अगर नहीं है तो दिस बोल देना है देखिए कंडीशंस क्या क्या है इसमें टिप यही आप डायरेक्टली कंडीशन पढ़िए और फिर डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कीजिए इफ द फर्स्ट लेटर इज़ कंसोनेंट एंड द लास्ट एवल बोथ आर टू बी कोडेड एज कोड ऑफ द वॉवल अगर पहला लेटर कंसोनेंट है और लास्ट वाला लेटर वावल है तो आपने क्या करना है आपने इन दोनों के पहले और लास्ट वाले का कोड क्या करना है वॉवल का डाल देना है इफ़ द फर्स्ट लेटर इज़ अ वावल एंड लास्ट इज अ कंसोनेंट द कोड्स फॉर द फर्स्ट एंड द लास्ट आर टू बी इंटरचेंज अगर पहला वाला वॉवल है लास्ट वाला कंसोनेंट है तो आपने इंटरचेंज कर लेना है इफ़ नो वावल इज प्रेजेंट इन द ग्रुप ऑफ लेटर्स द सेकेंड एंड द फिफ्थ लेटर्स आर टू बी कोडेड एज कॉपीराइट ठीक है अगर वावल कोई भी प्रेजेंट नहीं है ग्रुप ऑफ लेटर्स में तो सेकंड और फिफ्थ लेटर को आपने कोड कर देना है क्या कॉपीराइट बाकी कोड सेम चलेंगे इस हिसाब से चलिए अब हम सॉल्व करते हैं अब हमने पढ़ लिया बी के जी क्यू एन देखिए क्वेश्चन यहां पे रखता हूं मैं बी के जी क्यू एन इसमें वावल कोई है ही नहीं नहीं है वावल वावल होता है ए ई आई और यू तो अगर कोई वावल नहीं है तो इसने हमें बोला कि सेकंड और फिफ्थ इसको और इसको हमने कोड देना है कॉपीराइट का और बाकियों का कोड सेम रहेगा तो जब यहाँ पे और यहाँ पे कॉपीराइट आएगा हम पहले चेक करेंगे ऑप्शंस में देखिए यहाँ है और कहीं पे है और कहीं नहीं है तो हमारा ऑप्शन डायरेक्टली आ गया देखिए दूसरा और फिफ्थ हमारा कॉपीराइट देना था हमने दे दिया अब देखिए और एक क्वेश्चन आई जे बी आर एल जी इसमें पहला हमारा वॉवल आ गया और लास्ट वाला कंसोनेंट आ गया तो हमें कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी दूसरी वाली इफ़ द फर्स्ट लेटर इज़ अ व एंड लास्ट ए कंसोनेंट द कोड्स फॉर द फर्स्ट एंड द लास्ट आर टू बी इंटरचेंज्ड तो करना क्या है पहले वाले का और लास्ट वाले का कोड हमने इंटरचेंज करना है चले हम यहाँ पे जो है इसको लिख लेते हैं ये हमारे कोड्स हैं हमें क्या करना है पहले वाले और लास्ट वाले का इंटरचेंज करना है पहले हम जो है कोड्स देख देते हैं आय का कोड क्या है हैश है तो हैश लास्ट में आएगा क्योंकि इंटरचेंज हो जाएगा और जी का कोड है डॉलर जी आएगा यहाँ पे बस बाकी सेम है बाकी सेम है चलिए जे का कोड क्या है जे का कोड है एट बी का कोड क्या है बी का कोड है नाइन आर का कोड क्या है आर का कोड है स्टार ये है स्टार और एल का कोड है डॉलर सॉरी डॉलर नहीं पाउंड तो हमारा कोड आ गया डॉलर एट नाइन स्टार पाउंड हैश चेक करेंगे ऑप्शंस डॉलर एट नाइन स्टार पाउंड नहीं ये वाला तो नहीं है इसमें डॉलर है लास्ट में डॉलर एट नाइन स्टार डॉलर ये रहा ऑप्शन ठीक है इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी आपने क्या करना है ऐसा क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्टली कंडीशन पढ़िए उनको नहीं लिखना फिर कंडीशन को अगर ऐसा हो गया ऐसा नहीं बस एक बार माइंड में रखो कि कंडीशन है क्या फिर क्वेश्चन पढ़ो उसमें देखो कि कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी और उस हिसाब से आपको जो है अप्लाई करना है ये कोड्स अगर उसने इंटरचेंज करने के लिए बोला है इंटरचेंज कीजिए अगर उसने कुछ अप्लाई करने के लिए बोला है तो अप्लाई कीजिए ठीक है सो दिस वॉज ऑल अबाउट कोडिंग एंड डिकोडिंग मैंने बिल्कुल सिंपल से लेकर बिल्कुल जो टफेस्ट लेवल आती है ये जो दो क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट में करवाए ये जो है ये पी ओ एग्ज़मनेशन के क्वेश्चन है एस बी आई पी ओ के सो सबसे टफेस्ट लेवल है ये और आपके एग्जाम में इससे ईजी ही होगा ओबियसली लेकिन मैंने आपको जो है बिल्कुल वर्स्ट के लिए रेडी किया है कोई भी Uh, आपका जो है प्रॉब्लम है अभी भी क्वेश्चन में किसी में कुछ समझ नहीं आ रहा तो फिर से एक बार देखिए अगर फिर से कोई प्रॉब्लम है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको लिंक मिलेगी डॉप्ट डौ, जो है क्वेश्चन क्वेरीज की क्वेश्चन क्वेरीज ग्रुप की वहाँ पे आप पूछ सकते हैं मैं आपको वहाँ पे जो है सोल्यूशन बता दूँगा अब आपको करना क्या है आपने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ी आपने जो बुक लाई है जिस भी पब्लिकेशन की है वहाँ पर आप कोडिंग डिकोडिंग खोले और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए ठीक है चलिए लास्ट में रिक्वेस्ट यही है चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो सीखने में मज़ा आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके थैंक यू वेरी मच